NTAUGCNET यानी इमेजिनेट डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इमेजिनेट प्रो पे। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के लिए एक धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं और ये हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास सेकंड है। इस क्लास में हम जानेंगे कि शोध के चर क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। दोस्तों आपने काफ़ी बार रिसर्च में और एग्जाम में सुना होगा कि रिसर्च वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेट वेरिएबल, लेटेंट वेरिएबल और चर वगैरह के बारे में सुना होगा। तो आप कई बार कंफ्यूज हुए होंगे कि यार ये चर 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 क्या चीज है, चर कौन सी चिड़िया का नाम है ना। तो दोस्तों आज हम आपका पूरा कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं और आपको बताएंगे चर क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और आपको बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग एग्जांपल के जरिए सारी चीजें समझाने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों NTAUGCNET एग्जाम देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आ चुके हैं वो अलग है, ICT के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और DI के क्वेश्चन सोल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्त लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। इस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोर्स की प्राइस हम बात करें, इतना पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों, आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है। तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम क्लास करते हैं अपनी आगे कंटिन्यू। तो इसमें देखते हैं दोस्तों अनुसंधान के चर यानी कि वेरिएबल क्या है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा चर क्या होते हैं या फिर वेरिएबल क्या होता है। देखिए चर को हम किसी भी वस्तु, घटना, विचार इत्यादि से परिभाषित कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ आपके आसपास में, कोई भी ऐसी चीज़ है जो एक चीज़ दूसरे को या तो प्रभावित करती है या फिर खुद प्रभावित होती है। जैसे मान के चलिए आपका मोबाइल फ़ोन है, ये किसी को प्रभावित करता है। नमक है, चाय के अंदर अगर हम चीनी की जगह नमक डाल देंगे तो उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। धुआँ है, एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है से हमारा एनवायरमेंट खराब होता है। और जैसे गाड़ी है, गाड़ी को अगर हम ज़्यादा तेज़ स्पीड में चलाएंगे तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है, धीरे चलाएंगे तो हम बहुत लेट पहुंचेंगे। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारे आसपास के वातावरण को या किसी भी चीज को प्रभावित या तो करते या फिर खुद होती है उसको हम वेरिएबल या चर बोलते हैं। और जैसे कि हम बात करें, जैसे भूकंप है, भूकंप आने से हमारा अस्त व्यस्त हो जाता है पूरा जीवन। तो इस तरह से कोई भी चीज़ है जो प्रभावित होती है या दूसरी चीज़ को प्रभावित करती है। इसमें कोई घटना भी हो सकती है, जैसे कोई पहले घटना घटी है या फिर किसी के विचार हो सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी के विचार काफ़ी लोगों को प्रभावित करते हैं, तो इस तरह की ये चीज़ें दोस्तों। जैसे यहाँ पर दिया है एयर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन हमारे पूरे वातावरण को मतलब ख़राब करता है। और इसमें देखिए जो हमारे चर वो काफी तरह के हो सकते हैं। जैसे स्टूडेंट स्लिप, स्टूडेंट के सोने से क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट्स, टेस्ट स्कोर, इससे क्या है कि हमारा टेस्ट स्कोर कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। अगर हम ज़्यादा देर तक सोएंगे, बहुत देर तक सोएंगे तो हम अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे, हमें कम समय मिल पाएगा। और अगर बहुत कम सो पाएंगे तो क्या होगी कि हमारे मन में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, तो उसको एक बैलेंस करके चलना है। और जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, इससे क्या है कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि हर एक चीज़ किसी ना किसी को प्रभावित करती है। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे चर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये कई तरह के हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, इस तरह के चर पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, इन पर किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि ये किसी अन्य को प्रभावित करते हैं।
जैसे बुखार की दवाई पर जो बुखार की दवाई है वो एक स्वतंत्र चर है, वो किसी और को प्रभावित करेगी, वो खुद प्रभावित नहीं होगी। इसका एक और बहुत ही बढ़िया उदाहरण मैं आप लोगों को दूं, जैसे सुनामी है, समुद्र में सुनामी आती है तो सुनामी क्या है कि स्वतंत्र चर है, वो खुद प्रभावित नहीं होती। अगर हम उसको प्रभावित करना चाहे, सुनामी को रोकना चाहे, बढ़ाना चाहे, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो सुनामी है वो दूसरों को प्रभावित करती है, वो बाढ़ ले आएगी, वहाँ पे हमारा जो बिजनेस है बिजनेस को खराब कर देगी, हमारे घर तोड़ देगी और काफ़ी लोगों की जान जा सकती है उसके अंदर। तो जो सुनामी है, सुनामी क्या है कि स्वतंत्र चर है, वो खुद प्रभावित नहीं होती, दूसरों को प्रभावित करती है। इसी तरीके से आगे हम बात करें आश्रित चर या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल, इसके नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, ये क्या है कि किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं। यह चर कुछ इस तरह के होते हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, बल्कि ये किसी अन्य से प्रभावित होते हैं। इसको नियंत्रित नहीं कर सकते लेकिन ये प्रभावित होते हैं, किसी ना किसी से इफेक्टेड होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को बुखार हो गया तो बुखार की दवाई उस व्यक्ति को अच्छा कर सकती है, यानी कि व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। अब जो दवाई है, दवाई क्या है, दवाई प्रभावित कर सकती है ना आदमी को, उसको जल्दी ठीक कर सकती है। अगर गलत दवाई ले लेंगे तो वो हमें बीमार भी ज़्यादा कर सकती है। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ये किसी और पे डिपेंड होते हैं। जैसे बुखार है, बुखार किस पे डिपेंड है, हमारी बुखार जो दवाई पे डिपेंड है कि हम कितना जल्दी ठीक होंगे या नहीं होंगे। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों मध्यवर्ती चर, इंटरव्यूइंग वेरिएबल या मीडिएटिंग वेरिएबल भी बोलते हैं। इस तरह के चर को हम पूर्ण रूप से देख नहीं सकते, लेकिन यह चर स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच काम करता है। यह चर इन दोनों के बीच होने वाले संबंध के बारे में बताता है। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बच्चे ने आइसक्रीम खाई, ठीक है, बच्चे ने आइसक्रीम खाई, उसको बुखार हो गया और वो स्कूल नहीं जा पाया और वो फेल हो गया। अब अगर कोई हमें व्यक्ति ये कहे कि बच्चे ने आइसक्रीम खाई और वो फेल हो गया, है ना, अगर ऐसा कोई बोले कि बच्चे ने आइसक्रीम खाई और फेल हो गया, तो हम इसको शायद ना समझ पाए। तो उसको समझने के लिए इसके बीच में जो वेरिएबल्स है उन सभी वेरिएबल्स के बारे में हमें देखना जरूरी है। अब देखिए एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है, इसके बीच में और क्या चीज़ आई, बुखार हो गया, बच्चे के आइसक्रीम खाने से उसको बुखार हो गया और वो स्कूल नहीं जा पाया बच्चा, इस वजह से वो फेल हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल, आइसक्रीम और फेल होना, दो वेरिएबल है। अब इन दो वेरिएबल के बीच में और भी वेरिएबल है, बुखार होना और स्कूल नहीं जा पाना, तो ये वेरिएबल है, तो इनको हम बोलते हैं इंटरव्यूइंग वेरिएबल बोलते हैं। फिर है मॉडरेट वेरिएबल, यह चर स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच संबंधों को सुधारने का काम करते हैं। मॉडरेट, जैसे नाम से पता चल रहा है, मॉडरेट करना किसी चीज़ को, उसको इम्प्रूवमेंट करना उसके अंदर, ये स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच के संबंधों को सुधारने का प्रयास करते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल दूं आपको, चाय हम बनाते हैं तो कई बार कई बोलते हैं ना भाई इलायची वाली चाय बनाना, उसमें इलायची डाल देना, तो इलायची डालने से, सूंठ डालने से, लौंग डालने से हमारी जो चाय बहुत बढ़िया बन जाती है। तो वो क्या है कि दोनों के जो स्वतंत्र चर और आश्रित चर है उनके संबंध को सुधारने का प्रयास करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, मॉडरेट करते हैं उसको। और एक यार मक्खी आ रही है, इसको मारना पड़ेगा, बीच में डिस्टरबेंस कर रही है, चलो भाग गए डर के। आगे दोस्तों हमारा नियंत्रित चर, कंट्रोल वेरिएबल, अरे चलो यार बार बार आ रही मक्खी। नियंत्रित चर, कंट्रोल वेरिएबल, एक कंट्रोल वेरिएबल इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन इज एन एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट विच इज कॉन्स्टेंट एंड अनचेंज थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ आपको भैया इसमें। अब देखिए एक चाय बना रहे हैं हम, तो चाय में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कभी हम उसमें लौंग डाल रहे हैं, कभी उसमें इलायची डाल रहे हैं, कभी हम उसमें दूध पत्ती बना रहे हैं, ठीक है, कभी उसमें चीनी डाल रहे हैं, कम डाल रहे हैं, कभी दूध ज़्यादा डाल रहे हैं, इस तरह के एक्सपेरिमेंट उसमें कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल क्या होगा, ठीक है, सारी चीज़ों के साथ तो हमने छेड़छाड़ करके देख ली, तो उसमें कंट्रोल वेरिएबल हमने रख लिया वही जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर सेम होना चाहिए। टेम्परेचर ये नहीं है कि बिल्कुल धीमी आंच में पका रहे हैं वो बना रहे हैं चाय, कभी अगली टाइम बहुत ही तेज़ आंच पे पका दी वो बना दी चाय, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारी आँच है, जो आग उस पर जला रहे हैं, तो वो कांस्टेंट होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए, उसके साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करना है। और एक जो पानी डाल रहे हैं हम चाय के अंदर, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। चाय में
पानी और आग दोनों एक जैसे होने चाहिए हर बार, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंट्रोल वेरिएबल कहेंगे। उसको हमने कंट्रोल कर लिया, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे, वो कॉन्स्टेंट रह रही है चीजें, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कन्फाउंडिंग वेरिएबल, एक्स्ट्रा वेरिएबल दैट हैव ए हिडन इफेक्ट ऑन योर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। अब ये देखो, अब कन्फाउंडिंग वेरिएबल ऐसे होते हैं जिसका हिडन इफेक्ट होता है हमारी रिसर्च के अंदर, जिसको हम देख नहीं पाते। अब देखिए, जैसे बच्चे ने आइसक्रीम खाई और उससे आने वाले समय में बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, भगवान ना करे यार किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हो, बट एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। कई बार क्या है कि हम ऐसे लाइफ में छोटी मोटी गलती कर देते हैं जिसको हमें लगता है ये क्या है, ये तो छोटी सी गलती है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका खामियाजा हमें आने वाले समय में भुगतना पड़ता है, है ना। कई बार वो कहते हैं ना कि एक झूठ को बचाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, ठीक है। एक छोटी सी गलती आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, तो ये कन्फाउंडिंग वेरिएबल होते हैं। हमें ये नहीं पता चलता अभी ये जो घटना घट रही है इसके पीछे रीज़न क्या है, किस वजह से ये घटना घट रही है, तो ऐसे वेरिएबल को कन्फाउंडिंग वेरिएबल बोलते हैं जिनका हिडन इफेक्ट होता है हमारी एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करें दोस्तों, एक है लेटेंट वेरिएबल और एक है मैनिफेस्ट वेरिएबल। तो लेटेंट वेरिएबल, इस तरह के चर को हम सीधे तौर पर नहीं देख सकते और ना ही इसको माप सकते, लेकिन इसको हम दूसरे चर पर होने वाले प्रभाव से जान सकते हैं। अब देखिए, इसका और एक बढ़िया उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे कोरोना वायरस आया, तो कोरोना वायरस में अगर किसी को खांसी हो गई, ठीक है, किसी को जुकाम हो गया, तो सीधे क्या कहते थे, इसको कोरोना हो गया, भाग के लेके जाओ इसको और वार्ड में भर्ती कर दो, ठीक है। अभी क्या है कि लेटेंट वेरिएबल, इसे हम सीधे तौर पर नहीं देख सकते और ना ही इसको माप सकते। बाद में हमें पता चला उस बंदे को वो नहीं था, कोरोना वायरस नहीं था, उसको तो यार बेचारे को टीवी की प्रॉब्लम थी, उसको तो कोई और दिक्कत थी, ठीक है। तो हम इसके भ्रम में रहते हैं, भाई इसकी चीज़ ये कुछ और है और हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो कुछ और कर रहे हैं, और इसमें हम चीज़ों को देख भी नहीं सकते सीधे तौर पे। हम अब देखिए, कई चीज़ें जैसे हम सोशल मीडिया पे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि लोगों के जीवन पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उनके मानसिक रूप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो वो धीरे धीरे जाके काफ़ी लंबे समय के बाद जाके हमें वो चीज़ें पता चलती हैं। तो लेटेंट वेरिएबल को हम सीधे तौर पर नहीं देख सकते और ना ही इसको हम माप सकते, इसका क्या कि दूसरे पे जब प्रभाव पड़ता है तभी हम इसको देख पाते हैं। और अगला है दोस्तों मैनिफेस्ट वेरिएबल। मैनिफेस्ट चर या कारक ऐसे होते हैं जिसे सीधा मापा जा सकता है, इसका उपयोग लेटेंट वेरिएबल की मौजूदगी जानने के लिए किया जाता है, मतलब जिस चीज को हम डायरेक्टली देख सके, किसी चीज़ का किसी पे इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम डायरेक्टली माप लेंगे, देख लेंगे भाई हाँ इसका ये इफेक्ट पड़ा है। चाय बना रहे हैं, चाय अगर ज़्यादा जल जाएगी तो उसका कलर जो है कलर चेंज हो जाएगा, हम देख लेंगे भाई इसमें कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम सोशल मीडिया की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि बच्चों सोशल मीडिया ज़्यादा चलाने से बच्चों के मानसिक में जो उनकी मेंटेलिटी है उनमें चेंज आ रहा है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, वो लोगों के साथ व्यवहार गलत तरीके से करने लगेंगे, वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, तो वो क्या है कि वो हम उन चीज़ों को बाद में जाके देख पाएंगे, उनको मेज़र कर पाएंगे। भाई पहले तो ना ये थोड़ी मोटी बात पे गुस्सा नहीं होता था, लेकिन आजकल ये क्या है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग गया है, इसकी जो बीपी है ना पहले नॉर्मल रहती थी, अब थोड़ी सी बात पे इसकी बीपी 120 हो जाती है। तो जब हम चीज़ों को सीधे तौर पर देख सके, जिनको हम माप सके उसको हम बोलेंगे मैनिफेस्ट वेरिएबल, और जिसको माप ना सके उसको हम लेटेंट वेरिएबल बोलेंगे। तो दोस्तों ये हमारे वेरिएबल के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप थे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्तों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और आपको चर क्या होता है, कौन सी चिड़िया का नाम है ये पता चल गया होगा, है ना। तो मतलब चर कोई भी चीज़ यार जो खुद प्रभावित होती है किसी और को प्रभावित करती है, तो उसको हम वेरिएबल या चर बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको स्टडी नोट्स चाहिए तो दोस्तों आप हमारी ऐप निमिज नेट डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैं जल्दी क्लास ख़त्म करता हूँ और इस मक्खी को मारता हूँ, ये बहुत तंग कर रही है, आज क्लास नहीं लेने दे रही, ठीक है। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।
दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है? नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है, और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोर्स की प्राइस हम बात करें तो 7 से 8 हजार रुपए इसकी फीस बनती है, लेकिन आपसे इतना पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है। तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।